मैं जो सनातन वैदिक राष्ट्र चाहता हूँ, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक भी जिहादी ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी इस तरह का कातिल जो धर्म के नाम पर लोगों को कत्ल करता वो ना हो, एक भी मदरसा ना हो। जेल से रिहा हुए डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, निकलते ही समुदाय विशेष के खिलाफ की टिप्पणी। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में पिछले महीने गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा एक पत्रकार को अपशब्द बोलने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दर्ज मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया है। हालांकि धर्म संसद मामले में नरसिंहानंद को 7 फरवरी को जमानत मिल गई थी, लेकिन अन्य लंबित मामलों के कारण उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने समुदाय विशेष के खिलाफ विवादित बयान दिया है। यति ने कहा कि वो मस्जिदों, मुसलमानों और मदरसों से मुक्त राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। सनातन वैदिक राष्ट्र की पहली शर्त है कि उसमें मस्जिद नहीं होनी चाहिए, उसमें मदरसा नहीं होना चाहिए और उसमें जो है कोई जिहादी नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में हुए इस इंटरव्यू की लोग लगातार आलोचना करते नजर आ रहे हैं। पत्रकार अलीशान जाफरी ने अपने ट्वीट में लिखा, हरिद्वार नरसंहार कॉल मामले का मुख्य आरोपी नरसिंहानंद अपनी हिंसक बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से उनके जमानत आदेश का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, वो मस्जिदों, मुसलमानों और मदरसों से मुक्त राष्ट्र बनाने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तराखंड में हो रहा है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, इसको जमानत इसलिए मिली है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हरिद्वार हेट स्पीच मामले से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे।